सर मुझे थोड़ा सा काफी पेरेंट्स का ये सवाल आता है कि JEE है तो JEE मेंस, JEE एडवांस, ये तीनों में फर्क क्या होता है? JEE मेंस और JEE एडवांस दो पार्ट है। आपको सबसे पहले अपीयर होना पड़ेगा JEE मेंस में। अगर आप जो नेशनल लेवल पे जो कट ऑफ डिसाइड होगा, जो फर्स्ट 10% स्टूडेंट्स JEE मेंस में जो भी परफॉर्मेंस आएगा, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि पूरे नेशनल डेस्क से 14 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन हुए हैं JEE मेंस के लिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, और ऑल इंडिया रैंकिंग में जो फर्स्ट 1,40,000 स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है JEE एडवांस के लिए। बाकी के जो स्टूडेंट्स है, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वो डिस्क्वालीफाई है JEE एडवांस के लिए। तो जो फर्स्ट 10% स्टूडेंट्स, फर्स्ट 1,40,000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 14 लाख, वो क्वालिफाइड है JEE एडवांस के लिए। तो 1,40,000 स्टूडेंट्स ही IITs के लिए JEE एडवांस दे सकते हैं। बाकी डोमेस्टिक कॉलेज के लिए हम JEE मेंस टू एडमिशंस ले सकते हैं। वेरी गुड।